हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समाकलन के अनुप्रयोग का एक क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद भी और सारे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो कृपया अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के शीर्ष तथा नाभिलंब जीवा के बीच का क्षेत्रफल हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये क्या दर्शाता है, इसको क्या करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई का हम एक ग्राफ खींचेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई ये क्या दर्शाता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ये एक फॉर्मूला दर्शाता है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और ये हुआ आपका शीर्ष, ये क्या है, शीर्ष, ठीक है। इसका जो पॉइंट है ये 0 0 है, ठीक है, बिंदु 0 0। तो ये जो परवलय का शीर्ष किसे कहते हैं, ठीक है, तो परवलय का शीर्ष किसे कहते हैं, तो कॉनिक यानी कि सांको तथा अक्ष से गुजरने वाले पॉइंट या मिलाने वाले पॉइंट को हम क्या करते हैं, सांको का शीर्ष कहते हैं, यानी कि परवलय का शीर्ष कहते हैं। और भाई नाभिलंब जीवा के नाभिलंब किसे कहते हैं, ठीक है, तो परवलय की नाभिलंब किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि परवलय की नाभि से होकर गुजरने वाली तथा अक्ष के लंबवत, परवलय की नाभि से होकर गुजरने वाली तथा अक्ष के लंबवत जो जीवा हमें मिलती है उसे हम परवलय का क्या कहते हैं, नाभि लंब कहते हैं। तो यहाँ पर परवलय की नाभि जो है ये है, ठीक है। तो परवलय के क्या बोलेंगे, परवलय के नाभि से होकर गुजरने वाली तथा अक्ष के लंबवत, तो अक्ष के लंबवत मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेखा खींच दे रहा हूँ, ठीक है, ये नाभि है और मैं एक रेखा खींच दिया, तो अक्ष के लंबवत हो गया ये 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम परवलय का नाभिलंब कहेंगे, ठीक है। तो नाभिलंब की लंबाई क्या होता है, हमें ये फाइंड करना हो कि नाभिलंब की लंबाई जो होती है, नाभिलंब की लंबाई क्या होती है, नाभिलंब की लंबाई 4a होती है, ठीक है। तो हम इसका निर्देशांक, हम नाभि का निर्देशांक क्या होगा यहाँ पे, तो 0, x पे तो 0 है और 0, a होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, परवलय का व्यापक समीकरण x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो वहां से a का वैल्यू निकलेगा, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, परवलय का व्यापक समीकरण x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से तुलना करने पर क्या करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से हम इसका तुलना करेंगे, तो 4a की जगह पे क्या है, 4a की जगह पे क्या है, 1 है यहां पर, y तो y है और 4a की जगह पर 1 है, कुछ नहीं, तो ठीक है। यहां से हम a का वैल्यू निकालेंगे 1/4, यहाँ का इसका निर्देशांक योग क्या हो जाएगा, 0, 1/4, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, हमें यहां से लेकर के यहां तक के टोटल एरिया हमें फाइंड करना है, क्या लिख रहा है, शीर्ष तथा नाभिलंब जीवा के बीच, नाभिलंब जीवा हो गया के बीच क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि हमें ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जितना इधर है, इधर पार्ट है, उतना ही पार्ट इधर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दूरी है,
एक स्ट्रिप लेंगे, एक पट्टी काटेंगे, मैं बोला था आपसे। ये क्या हो गया, ये आपकी एक्स दूरी हो गई और ये जो एरिया हो गई ये डी वाई हो गई। आप जाएंगे तो ये डी वाई, ठीक है, स्ट्रिप की ऊंचाई जो डी वाई और ये लंबाई एक्स है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, तो आप क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कमा डी वाई और लिमिट कैसे लगाएंगे, तो जीरो से लेकर ए तक, तो जीरो से ए तक यानी कि जीरो से लेकर ए क्या है, वन बाई फोर, ठीक है। पहले मैं आधे का निकालूंगा, ठीक है, तो जीरो से ए तक आधे तक और फिर इधर जीरो से ए तक आधे तक यानी कि दो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहां से टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब एक्स डी वाई है तो हम यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर रूट वाई लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स बराबर रूट वाई। तो हम वही रखेंगे डेट सिंपलाइज टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से वन बाई फोर, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, रूट वाई और डी वाई। तो एरिया और निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया इजकल टू टू और क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से वन बाई फोर, रूट वाई को लिख सकते हैं वाई के पावर वन बाई टू और डी वाई, ठीक है। तो एरिया इजकल टू क्या हो जाएगा, टू, ठीक है, टू इंटू वाई के पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई के पावर वन बाई टू प्लस वन अपान में वन बाई टू प्लस वन, ठीक है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यहां पर कैसे करेंगे, ठीक है, मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, एक्स टू डी पावर एन इजकल टू डी एक्स इजकल टू क्या होता है, एक्स टू डी पावर एन प्लस वन अपान में एन प्लस वन। यही फार्मूला हमने यूज करके इसका इंटीग्रेशन निकाला और क्या करेंगे, लिमिट डालेंगे जीरो से वन बाई फोर तक, तो क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा टू इंटू क्या हो जाएगा, ये वाई के पावर थ्री बाई टू अपान में क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू जीरो से लेकर के वन बाई फोर तक। तो एरिया जो होगा इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट है थ्री बाई टू तो बाहर निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टू बाई थ्री हो जाएगा और वाई के पावर थ्री बाई टू और जीरो से वन बाई फोर तक, ठीक है। तो टू टू जा फोर बाई थ्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एरिया फोर बाई थ्री हो जाएगा, फोर बाई थ्री। और पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट भरते हैं, तो अपर लिमिट डालेंगे तो वन बाई फोर के पावर क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू, वाई की जगह पर क्या रखेंगे, वन बाई फोर। और माइनस करके लोअर लिमिट डालेंगे, जीरो डालेंगे तो जीरो के पावर थ्री बाई टू यानी कि जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू फोर बाई थ्री इंटू वन बाई फोर के लिखेंगे, वन बाई टू का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, तो टू का स्क्वायर इंटू थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर बाई थ्री इंटू वन बाई टू का क्या बचा है, होल क्यूब। तो एरिया जो होगा फोर बाई थ्री इंटू वन बाई टू का होल क्यूब क्या हो जाएगा, वन बाई एट, तो फोर टू जा एट, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई सिक्स, एरिया क्या होगा, वन बाई सिक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा।